मजे की बात ये लगती है सारे म्यूजियम में कि इंटरेक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखो चीज़ें और चले जाओ। जैसे इन्होंने फोटोग्राफी किया था तो साथ में ये भी इन्होंने लगाया हुआ है कि कुछ हम देख सकते हैं और फिर ये पिक्चर्स चेंज भी हो सकती है। ये है सेंट पॉल कैथेड्रल, आई एम नॉट श्योर ये कैमरा को दिखाएगा कि नहीं, दिखा रहा है? अरे वाह दिखा रहा है। चेंज कर रही हूँ मैं पिक्चर, फिर ये दूसरी। फैशन डिज़ाइनर, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर, ये थे 1943 के। थोड़ा ज्वेलरी टाइप लग रहा है, ये सांप सीढ़ी टाइप गेम है जो म्यूजियम में रखी हुई है। रूल्स इन्होंने डायमेंशन किया, बट हम तो अपनी सांप सीढ़ी वाला ही खेलेंगे। तो ये रख लिया जो, और डाइस की जगह पे इसको स्पिन करना, जो नंबर आया वो आपका। ओके, 1 2 क्या है, 4 1 2 3 1 2 3 4। तो ये जंग के थीम में बनी हुई है गेम। वो हमारे जैसे सीढ़ी थी ऊपर जाते हैं और सांप पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रेचर्स बनाए हैं जिसपे आप ऊपर जाओगे जब आप पहुँचे कोई नंबर पे, और ये कैनन्स बनाए हैं अगर आप इन पे पहुँचे तो। फिर सनी का बस एक रहता है, मैं अभी 18 पे हूँ, मैं भी जीत जाऊँ 1 तो जब तक आए। बॉर जो है ख़त्म हो गई, जवान आ चुका है, और कोमर जो है हमें इसकी ट्रीट देगी। नो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टॉर्च उठाओ और इस वॉल पे ढूंढो, आपको ना छोटे से लोगों की पेंटिंग्स मिलेंगी। ओके, मैं तो बिना टॉर्च के ढूंढ ली। ये दो मेरी इन अ ट्रे। ओके, प्रेस द बटन, क्या होगा? तो रास्ता बनाना है, स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गौर से देखिए ना आदमी को, ये पॉइंट है। अब ये क्या है जी, स्टैंप बनाना। अच्छा, ऐसे लाला लाला स्पोर्ट्स सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे काफी स्पोर्ट्समैन के बारे में ही रहेगा, और ये है म्यूजिकल सेक्शन। कलर थ्योरी जो है
ऐसे इन्वेंट हुई थी और फिर ये जो भी यहाँ पे होंगे 8 साल, फिर तुम्हें पता होगा कलर व्हील के बारे में, ये 3 बेसिक कलर्स और फिर उसके बाद ये प्राइमरी। इन्होंने एक थोड़ी इंस्टॉलेशन ऐसे बनाई हुई, आप देख कर सकते हो। RGB कलर्स हैं और ये काफी फेमस कोट आपने सुनी ही होगी, वो इन्होंने लिखी थी। कितने अच्छे से ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं अपने हीरोज को ये लोग। ये कह रहे हैं अपने सर का ख्याल कीजिए। आई थिंक मेरा सर इतना बड़ा नहीं है कि उसका ख्याल किया जाए। रॉबर्ट थॉमसन, ये है रॉबर्ट थॉमसन जिन्होंने ये बनाया था, बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये है जी सर डेविड गिल और ये मेरे जैसा स्टार साइन शेयर करते हैं और इन्होंने ये बनाया था एस्ट्रोनॉट थे। चले देखते हैं, मुझे जरूरत है माइंड करने की अपने हेड को, मैं सीधी सीधी आ जाऊंगी। मेरे ख्याल से जो भी इनके हीरोज हैं स्कॉटलैंड के, उनको इन्हीं इंस्टॉलेशन में शो किया गया है। एक और आ गई, अच्छा आइडिया है। स्कल्पचर एक ही मॉडल का बना है, फिर उसमें सारी उसकी जो क्वालिटीज हैं बैकग्राउंड और उसके फेस पे डिस्क्राइब किए हैं। अब इनकी सबसे लार्जेस्ट ग्रेनाइट बिल्डिंग कहलाई जा, ये कोई स्कल्पचर बना हुआ है, मीनिंग तो मुझे नहीं पता बट कोई जरूर थॉट होगा आर्टिस्ट का इनको बनाने के पीछे। ब्लॉग के चक्कर में मेन चीज जो लेने आए थे वो मैंने टी ली थी अपनी और वो कहीं बैग रख के भूल गए। अभी जाके देखते हैं वो कहाँ पे कौन से फ्लोर पे है। मिल गई बैग, उन्होंने रख ली थी। चलो नाइस, इतने सब के बाद एक तो कॉफी ब्रेक बनता है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और अभी जाते हैं स्टारबक्स। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है कि कॉफी नहीं, क्योंकि प्राइस खानी है।